गुरुजी, आप इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं और अही रेजिमेंट बनाने आए हैं आप लोग। गुरुजी, आपने अभी तक की बहुत सारी सरकारें बनाई हैं, बहुत सारी बिगाड़ी हैं, तो इस समय जो 4 साल का जो शासन है बीजेपी के शासन के बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि आप तो एक संत हैं। ऐसा है, बीजेपी ने नारे तो बहुत अच्छे दिए और बार बार मोदी जी ने ये भी कहा कि मैं एक गरीब का बेटा हूँ और चाय बेच के आया हूँ, है ना जी। मैं उससे मैं आगे बढ़ा हूँ और किसानों की भी बड़ी बात की उन्होंने, लेकिन किसानों को जितनी बुरी हालत यहाँ किसान की है उसके उसका कोई भाव नहीं है। अनाज का 4000 का सरसों का निश्चित किया था, वो 3200 तक बिकी है, 4000 पे पहुंची नहीं, थोड़े बहुत लोग ने बेची है। इसी तरह से ना किसान का, ना मजदूर का और ना गरीब का कोई विशेष उत्थान नहीं हुआ इसके राज में, और नारे दिए गए और पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे तो कि जैसे भाई ने कहा है बार बार कि 15% जो लुटेरा वर्ग है, 85% कमेरा वर्ग पर 15% कमेरा वर्ग में एक बैकवर्ड को आगे रख कर के, हैं जी, मोदी को आगे रख कर और उसको अपना धुत्तू बना करके वो सारा काम अपना कर रही है और गरीबों को औरों को कमज़ोर कर रही है। और ये एक प्रैक्टिकल में ये चल रहा है, बात कोई कुछ भी करता रहे, क्योंकि किसान भी बहुत बुरी हालत में आत्महत्या कर रहे हैं और मजदूर भी, उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, और ये नोटबंदी करके कोई घना बढ़िया काम नहीं किया, उसमें भी बहुत से उनकी वो छोटे को तो गोली से मारा जा रहा है। हाँ, तो इसलिए जो है मोदी जी जो हैं कोई, वो तो एक तरह से जो 15% मैं तो कहूँगा जो लुटेरा वर्ग है, दूसरों की कमाई पर पलने वाला लोग है, उनको उसको आगे करके और उनका काम कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसान अगर 2000 रुपये ना दे किसी वजह से, उसको तो जेल में भेज दिया जाता है और हजारों हजार करोड़ों लोग लेके भाग जाए और वो और दूसरा चला जाए, तीसरा चला जाए, उसको जब विदेशों में जाकर ये और बातें कह सकता है, इस बात के लिए कंपेयर नहीं कर सकता कि जो हमारा लूट के भाग गया उसको वापस दो हमको। अगर इसके मन में ईमानदारी होती तो दो शब्द तो बोलता कम से कम। गुरु जी, आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मेरा राजनीति संत हैं, तो सर आप जो एक गुरुओं की एक कहते हैं भविष्यवाणी होती है कि 2019 के अंदर क्या माहौल तैयार होगा? देखो ऐसा है, मैं कोई मुक्ति के लिए सन्यासी नहीं बना हूँ, मैं तो जो 85% कमेरा वर्ग है उसको एजुकेशन नहीं थी, तो 20 साल तो मैंने खुद MA किया, कुछ दिन पढ़ाया है जी, और उसके बाद नहीं तो अगर वैसे ही बाबा जी हो जाता तो इसने कहा भी इसका ब्याह नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली इसलिए बाबा जी बन गया। इसलिए मैंने शादी तो इसलिए नहीं की कि मैं जो सारा टाइम समाज को देना था, गरीब समाज को, ये मैंने सोच कर किया है, कोई ऐसे वैसे नहीं हूँ। और मुक्ति, ये जो 85% का मेरा वर्ग है जो खून पसीने बहा करके रोटी खाता है, कमाता है और देश का पेट भरता है, देश के लिए मजदूरी करता है, और उसकी मुक्ति अगर उससे भूख से, दरिद्रता से, अज्ञान से होगी तो मेरी तो आप ही मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो इस मिशन को लेकर चल रहा हूँ। और मैंने कुछ दिन पासवान ने कुछ बातें कही, अब तो राजनीति में बहक जाता है, तो मैंने उसका भी साथ दिया है। मायावती और काशीराम के साथ में रहा हूँ और उन्होंने कहा भाई हमारी पार्टी, काशीराम ने कहा कि हमारी पार्टी रिकग्नाइज हो जाए, उन्होंने 79 लोगों को खड़ा किया हरियाणा में, और मुझे कहा स्वामी जी अहिरवाल क्षेत्र में आपका प्रभाव है, 11 आदमियों की कमी रही है, मैंने 11 आदमी वहाँ खड़े किए और ये बसपा पार्टी जो है हमने मंजूर रिकग्नाइज कराई कि ये गरीब के तरफ से भी राजनीतिक लोग जाएं और वो इस काम को करें। तो इसमें मेरा राष्ट्रीय मेरा वो है कि जहाँ भी गरीब है, पिछड़ा है, जो कमा के अब पुलिस में सारे के सारे वो गरीब लोग हैं, वही लोग हैं जो किसान है या मजदूर है, किसी बड़े आदमी के बेटा तो एक आदमी आता है, इसी तरह फौज में है, फौज में भी गरीबों के बेटे आते हैं, किसानों के, मजदूरों के बेटे जाते हैं, कोई बड़ा आदमी तो एक आ जाता है उसके बड़ा आदमी का बेटा, तो अदरवाइज तो यही सब लोग आते हैं, यही देश के लिए लड़ रहे हैं, यही देश के लिए पैदा कर रहे हैं, और उनका कोई उनके लिए कोई अच्छा वो नहीं, बातें बनाते हैं और अपने राज करते चले जाते हैं। एक आदमी को आगे धर लिया हम में से, हाँ जी,
अब पासवान है, पासवान को थोड़े दिन टिपका के आगे धर लिया, छोरा भी एमपी बना लिया, खुद भी जिन जिनके अंदर से आया है उनका कुछ नहीं करना। पासवान जी कहते थे कि मैं घर घर में चिराग जलाऊंगा। हाँ, घर घर में तो नहीं चला, अपने घर में जला लिया, अपने चिराग पैदा करके। हाँ, अपने घर में जलाया, अपने घर में जलाया चिराग, क्या उसने तो अंडा जला दिया बड़ा सारा अपने। बाकी जिन लोगों में से आया है उनका कुछ नहीं किया। धन्यवाद स्वामी जी। तो इस दर्द में मैं इनके साथ हूँ, मैं कोई मुक्त, मैं तो समाज में। ये आप देख रहे हैं जिस तरीके का यहाँ का माहौल है, पूरे भारत का माहौल है, वो त्राही त्राही कर रहा है। चाहे दलित समाज है, चाहे बैकवर्ड समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, इनको सभी को एक दर्द है। और इनके साथ में बहुत अच्छी बात है कि संतों ने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं कि इनका उत्थान होना ही होना है।